सबने एक ही जैसी होती है। आपको भी कभी कभी पीड़ा होती है, कोई काम अपने मन के विपरीत हो, मन के अनुकूल नहीं हो, अच्छा लगने वाला नहीं हो तो पीड़ा होती है। तो कौन सी बात है जिसको पढ़कर आप आहत हो? इतना तो सब बता दिया भैया, अभी नहीं बाइक के लिए बता दो सर, अलग से बता दो आप टीवी के लिए। अखबारों में जो समाचार छपे हैं कि लोकायुक्त, सूचना आयुक्त, विधानसभा के अध्यक्ष ने इन तीनों के बीच में कुछ वाद विवाद है, इसे सुनकर के इसे जानकर के मुझे पीड़ा है, क्योंकि ये संवैधानिक पद हैं और इन पर विवाद नहीं होना चाहिए। लोगों का विश्वास इनके प्रति है कि यहाँ से हमें न्याय मिलेगा, तो विश्वास बना रहना चाहिए, सुशासन को ठेस नहीं लगे, इस कारण पीड़ा है। और मेरा आग्रह तीनों से ही, जो अगर मतभेद कोई हो तो सम्मानजनक तरीके से मर्यादा और गरिमा में रहते हुए अपने अधिकार का पालन करते हुए तो स्वयं ही कटाक्ष तो सक्षम है, ऐसा मैं मानता हूँ। तीनों ही अनुभवी है। आप सरकार से भी, सरकार मध्यस्थ थोड़ी हो सकती है, सरकार के काम पर रूपरेखा पर नियंत्रण रखना विधानसभा का काम है, सूचना के अधिकारी का काम है, लोकायुक्त का काम है। जो मेरे ऊपर नियंत्रण रखने वाला है उस पर मैं नियंत्रण कर सकता हूँ, पटाक्षेप होना चाहिए। किस तरह का क्या हल है? क्या हाल है यही तो सोचना है उनको। आपका सुझाव दें? मेरा सुझाव देने कोई अर्थ नहीं, मैं सुझाव देने का अधिकारी भी नहीं। अगर लोगों का विश्वास कम हुआ है आपको लग रहा है क्या? मेरे तो पीड़ा हुई है समझने, और मेरे जैसे सोचने वाले व्यक्तियों को पीड़ा हुई होगी ऐसा मैं मानता हूँ। ये माना जा रहा है कि लोकायुक्त की भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं, कुल मिलाकर देखिए सरकार के सारे पर उनको घेरने की कोशिश की जा रही है अलग अलग। कौन क्या कर रहा है उस पर टिप्पणी करना मैं अधिकारी नहीं हूँ। सब विद्वान है, सक्षम है, और अपने दायरे में रहकर के अपना काम करने में उनको कोई सलाह की जरूरत नहीं, हमसे ज्यादा अनुभवी है।